जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह केस में अभी तक रिया चक्रवर्ती को लेकर कई सारे लोगों ने बड़े खुलासे किए हैं, जहाँ पे उनके कुछ अपने दोस्त भी हैं और कुछ सुशांत सिंह के फ्लैट में रहते थे, जहाँ पे उनके नौकर और साथ साथ उनके जिम ट्रेनर और कुछ ऐसे लोग जो सुशांत सिंह को करीब से जानते थे। लेकिन दोस्तों, ये सब संभव हो पाया है तो पटना पुलिस की जाँच के दौरान, नहीं तो मुंबई पुलिस तो सिर्फ नेपोटिज्म विवाद को लेकर ही अभी तक जाँच कर रही थी। लेकिन दोस्तों, जहां पर हमें एक तरफ देखने को मिल रहा है कि रिया चक्रवर्ती अपने वकील को आगे करते हुए ये सब बातों को लेकर कबूलती भी दिखाई दे रही है कि सुशांत सिंह के केस में हमें बहुत जल्द न्याय मिलता हुआ दिखाई देगा और सच की जीत होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब पटना पुलिस इन सब केस की जांच कर रही है तो जरूर उसको कोर्ट में कोई ऐसा गवाह पेश करना होगा जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बोलता हुआ दिखाई दे, यानी कि रिया चक्रवर्ती की साजिशों का पर्दाफाश करे। तो ऐसे में दोस्तों, कुछ एक दोस्तों के नाम सामने आते हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो गवाही दे सकते हैं सुशांत सिंह केस में, जहाँ पे आप सभी को बता दें किस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक मीडिया लीडिंग वेबसाइट से बातचीत के दौरान सुशांत सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने बड़े खुलासे किए थे रिया चक्रवर्ती को लेकर, जहाँ पे उन्होंने साफ कहा था कि रिया चक्रवर्ती से पहले सुशांत सिंह काफ़ी खुश रहता था, लेकिन जब रिया चक्रवर्ती उनकी लाइफ में आई तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही खोने लग गया था। उसके बाद रिया चक्रवर्ती उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा ऐंठती थी और अय्याशी करती थी उनके पैसों पे। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त महेश शेट्टी को पटना पुलिस इस केस में गवाह बना सकती है, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। खबरों के मुताबिक महेश ने पुलिस की पूछताछ में रिया से जुड़े कई बड़े खुलासे किए थे, कई चीज़ों को वह करीब से जानते थे। रिया के परिवार के बारे में भी महेश ने बताया था। महेश की गवाही से केस मजबूत होगा। दूसरा गवाह सुशांत का बॉडीगार्ड हो सकता है, क्योंकि सुशांत के बॉडीगार्ड ने बताया था कि इस प्रकार से जब रिया मैडम आई थी तो उसके बाद से ही सुशांत सर सबसे अलग अलग रहने लग गए थे और यहाँ तक कि उनके स्टाफ में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे और सुशांत के बॉडीगार्ड से लेकर ना जाने अभी तक कितने स्टाफ मेंबर को निकाल दिया था रिया चक्रवर्ती के कहे अनुसार। तो ऐसे में ये बड़े गवाह बन सकते हैं सुशांत सिंह के केस में, जो सुशांत सिंह केस में गवाही देते हुए रिया चक्रवर्ती को जेल की सज़ा दिलवाएंगे। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा आने वाले समय में, क्या सचमुच रिया चक्रवर्ती बेगुनाह साबित होती है या फिर किसी बड़े आरोप में जेल की सलाखों के पीछे कई सालों तक जेल की सजा काटती हुई दिखाई देगी। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।